हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए चार अलग अलग जोन से सेकंड डीवी और थर्ड डीवी के रिगार्डिंग अपडेट। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आइए दोस्तों, वो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से निकल कर आइए। इसमें आप सभी के लिए सेकंड डीवी जारी कर दिया गया है और इस सेकंड फेज़ वाली जो डीवी आपकी जारी की गई है, इसमें जो डेट दिया गया है दोस्तों, वो 11 सितंबर से 14 सितंबर तक का डेट दिया गया है। आप सभी को वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल देखिए दोस्तों 451 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है और तीन पेजेस है टोटल। इसमें देखिए पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किया गया है। टोटल 6 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के सेलेक्ट किए गए हैं और नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं वो देखिए लगभग वो 200 के आसपास आपकी इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। सॉरी 221 कैंडिडेट्स, मतलब 221 कैंडिडेट को नन पीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट किया गया है और कुछ दोस्तों कैंडिडेट को एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था पैनल से बाहर, तो उनका भी इस सेकंड डीवी में फिर से मेडिकल डेट दिया गया है। और जो निकाले गए कैंडिडेट को, जो टोटल जो कैंडिडेट को निकाला गया था दोस्तों, वो लोग लगभग 333 कैंडिडेट को टोटल निकाला गया था, जिसमें से अभी 224 कैंडिडेट का नाम दिया गया है इस लिस्ट में। तो बाकी सारे कैंडिडेट का भी नाम बहुत जल्द दिया जाएगा और यहाँ पर कट ऑफ भी जारी किया गया है पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कि सेकंड डिग्री में कितना माइनस हुआ है। ज़्यादा माइनस नहीं हुआ दोस्तों, लगभग 0.20 के आसपास ही सभी कैटेगरी से माइनस हुआ है। और जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से गुवाहाटी से निकल कर आई है। उसमें आप लोग दोस्तों वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें पैनल थ्री जारी की गई है और इसमें लगभग आपका 103 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। तो जो भी है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के कैंडिडेट, वो लोग अपने वेबसाइट से इस पैनल थ्री को चेक कर सकते हैं। और जो चौथी अपडेट है दोस्तों, वो आपकी सेंट्रल रेलवे मुंबई से निकल कर आई है। सेंट्रल रेलवे में दोस्तों आपकी सेकेंड डीवी का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जी हाँ, आप लोग सेंट्रल रेलवे के जो कैंडिडेट हैं, वो लोग सेकेंड डीवी के दोस्तों एडमिट कार्ड, जिनका सेकंड डीवी में नाम आ गया था उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। वो लोग डीवी में उपलब्ध होने के लिए एडमिट कार्ड वहां से अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो चौथा और लास्ट अपडेट है दोस्तों, वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे गुवाहाटी से निकल कर आई है, सॉरी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज से निकल कर आई है। और इसमें प्रयागराज में दोस्तों आपको देखिए देखिए दोस्तों ये है प्रयागराज में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ये प्रयागराज में दोस्तों एक्चुअली आपकी सेकंड डीवी निकाली गई थी और इसकी अभी शेड्यूल जारी की गई है वेबसाइट में। और इसमें सेकंड डीवी जो निकाली गई थी दोस्तों, ये मैंने अपने वीडियो में इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था और ये वाले जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। वो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से आप लोग इस पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टोटल दोस्तों 28 अगस्त को जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, मतलब आज के दिन, वो कैंडिडेट्स का टोटल 106 लोगों का नाम दिया गया है। 29 अगस्त में आने वाले कैंडिडेट्स के लगभग 106 है और 30 अगस्त वाले कैंडिडेट्स का भी 106, मतलब टोटल लगभग आपका दोस्तों 318 कैंडिडेट्स का इसमें इस डीवी लिस्ट में नाम दिया गया है। तो उनकी सेकंड डीवी के रिगार्डिंग ही, इन सभी की सेकंड डीवी जो आई है इसके रिगार्डिंग आपकी पूरी शेड्यूल और जो डिटेल है वो आपकी वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। वहाँ से आप लोग इसकी पूरी शेड्यूल और एडमिट कार्ड वगैरह पूरी डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड अपलोड कर दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों। तो जो भी नए हैं चैनल पर, वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।